पंसब मैनेजमेंट की तकेशाइया खिलाफ पिछले 12 दिनों तो लगातार धरने पर बैठे मुलाजमान वालों अज मोगा विच भी धरने च दब के मैनेजमेंट खिलाफ नारेबाजी की गई अते पुतला फूकया गया। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं पर हुण तक ना तो पंसब मैनेजमेंट वालों अज तक मुलाजमान की कोई सार ली गई अते समूह मुलाजमान वालों पंसब मैनेजमेंट विरुद्ध रोष प्रगट किया जा रहा है। पिछले लंबे समय तो मुलाजमान दीयां जायज़ मंगां नूं अणगहिला किया जा रहा है। पिछली सरकार वल्लों चलाई गई मुफ्त आटा दाल स्कीम करके पंसब विभाग नूं वड्डे पद्धर ते घाटा पिया है। होर की कहा कर्मचारियों ने आओ सुनते हाँ। हाँ जी, की नाम अपना? मेरा नाम पवन शर्मा है जी। मैं शर्मा जी, जो जानकारी आई पुतला साड़िया पंसब का की कारण है तुहाडा? इहदे कारण यह है कि सारे मुलाजम साथियों ने जदों भगवंत मान जी की सरकार बनी है पूरे पंजाब विचों सब तो वध जो वोटिंग की वो मुलाजम साथियों ने की। जदों हुण वेला आया कुछ मुलाजमान नूं देण दा, जिवें साडा छेवां पे कमीशन है वो साडे कारपोरेशन ने साडे उपर लागू नहीं किया। साडे जो डेली वेजिस है जो 1980 दे भर्ती होए आ वो उस तरह कंटीन्यूअसली चल रहे हैं। सरदार भगवंत होर ने एक गल कही सी कि अज तो बाद जो मेरा हरा पेन है मेरे मुलाजमान लई मेरे लोगों की भलाई लई चलूगा। उस तरह मैं MD साहब नूं जो साडे MD साहब ने मैं उन्होंने बेनती करना चाहुंदा है तुहाडे माध्यम राही कि तुहाडा परिवार सड़कां ते रुल रहा है तुसी इमीजिएट इफेक्ट नाल इहदे विच तुसी आओ विच इंटरफेरेंस करके जो साडियां जायज़ मंगां ने उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी लागू करो तां जो असीं अपने परिवार दे विच अमन चैन नाल बैठ सकीए। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सारिआं दा। देखो जी, मैं 1980 के पंसब मैनेजमेंट ने सानू रखिया तो 87 तक सानू लाई रखिया 500 रुपया तनखाह स्टार्ट की 87 के सानू दोबारा कढ दिता तो 2002 दोबारा बकायदा लैटर आपका पंसब डिपार्टमेंट ने सानू पाया भी 7 दिन के ड्यूटी हाजिर होवो तो असी उस 7 दिन के ड्यूटी हाजिर की 1500 रुपये तो सानू 2002 स्टार्ट किया पंसब डिपार्टमेंट ने तो अभी हम पुछते हैं भी उन्होंने अज तनखा वधा देंगे कल वधा देंगे कभी 100 वधाता कभी 200 वधाता करद्या करद्या जी 2022 हो गया 20 साल पूरे हो गए तो सानू हुण 8500 रुपये तक लिया है तो 1980 तो अं लगे हाँ तो 2040 साल हो गए सानू तो हुण पंसब डिपार्टमेंट ने एक लैटर पा दिता जी इन्हों 5वीं पास का या 10वीं पास का सर्टिफिकेट दो जिहड़ा 1980 दे विच जदों दोबारा इन्हां लैटर पा के सद्या उदों साडे तों कोई कंडीशन नहीं लई भी 5वीं पास होवो जां 10वीं पास होवो जां कोई पास होवो तो वेख लो 40 साल इन्हां लंघाते आ तो डेली वेज दे डेली वेज कुछ बंदे 270 सी उहदे विचों रिटायर हो गए 160-170 बंदे दे करीब रह गए आ जिहड़े अजे उह वी हर वारी डिमांड करदे आ भी सानूं पक्का कीता जावे पर कोई मैनेजमेंट ना को सरकार सुनदी ना को मैनेजमेंट पुराने रेगुलेशन दे नाल ही भर्ती होने चाहिए आ मतलब कि जिमें असी जो सानू महकमे ने सद्या ना सानू बकायदा तौर पर उवें रेगूलर किया जाए सानू यही कंडीशन भी अच्छा 5वीं पास हो या 2 पास हो या 4 पास। वाहेगुरु जी का खालसा। मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। जो जानकारी क्यों साड़िया? असी पंसब मैनेजमेंट का पुतला साड़िया वा। असी 7 तरीक तो पंसब मैनेजमेंट तो अपनी जायज़ मंगा वास्ते बैठे हैं धरने पर लेकिन पंसब मैनेजमेंट ने अज 12 दिन हो चुके हैं पंसब मैनेजमेंट के कन्न से अज तक जू नहीं सरकी है। साड़ी मंगा बिल्कुल जायज़ है। साड़ा पे कमीशन 1 साल हो गया पे कमीशन साड़ा लागू नहीं हो अज तक साल 2014-15 बैच के प्रोविशन वो भी क्लीयर नहीं होया। दिहाड़ीदार काम है जिहड़े साडे पंसब विच 20-20 साल तो 25-25 साल तो काम कर रहे हैं उन्होंने मात्र 8500 रुपया दिता जाता वा। 8500 रुपये के हिसाब न अज की महंगाई में 250 रुपये दिहाड़ी के नाल गुजारा करना बहुत मुश्किल है जबकि पिछली सरकार ने आपके चहेते बंदे बैकडोर एंट्री राही भर्ती किए हैं। असी चाहते हाँ कि जे तुसी बैकडोर एंट्री राही भर्ती किए सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जिहड़े साडे रैगूलर मुलाजम हैगे आ जिहड़े साडे रैगूलर क्लास 4 हैगे आ उन्हां नू उन्हां दी प्रमोशनस नू इग्नोर ना किया जाए। सानू भी पिछले सरकार ने तो दो बारी असी पक्के हो चुके हैं पिछले पहला लेकिन हुण तीजी बार भी सानू आही लगता कि सानू आ सरकार भी लारे विच ही लाऊगी जिवें हुण जिहड़ा 1980 विच भर्ती होया सीगा वो 5वीं का सर्टिफिकेट मंगते उदों पंजाबी पास का सर्टिफिकेट मंगते हैं हम जिन्होंने 30-30 साल 40-40 साल पहला आ कंडीशन उन्होंने 40 साल पहला लगवानी सी कि या तो थोड़े को पंजाबी पास होवे और थोड़े को 5वीं की होवे अज बेचारे पूरी जवानी रुल गई उन्होंने अज पंजाबी का सर्टिफिकेट 5वीं पास का सर्टिफिकेट कितों लैके आउण जी।
ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਸਦ ਵਿੱਚ 140 ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 270 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 140 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਸਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੰਸਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਸਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਪੰਸਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।